हेलो एवरीवन, मैं हूँ जूई। मेरे चैनल क्वीन ऑफ फर्न्स 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग। मैं भी करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप सभी लोगों को पता है, जो भी मेरे सोल फैमिली का हिस्सा है उनको पता ही है कि मुझे एक जैसी रीडिंग करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं आप लोगों के लिए कुछ नए तरीके से कोशिश करती हूँ कि कुछ नया टॉपिक लाऊँ, ताकि वो बना रहे, वो इंटरेस्ट बना रहे। तो आज भी मैं वैसा ही कुछ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और वो है, आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, बट फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों मैं ऐसी रीडिंग बना रही हूँ। प्लीज़ इंट्रो सुन के जाइए, नहीं तो रीडिंग्स की कोई मज़ा नहीं ले पाओगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम कहीं पर जाते हैं कोई भी सर्विस के लिए, या फिर कोई भी ऐप्स हम डाउनलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके फीडबैक हम हमेशा देते हैं, राइट? तो वहाँ पर हमें कहा जाता है कि आप हमें कौन सी रेटिंग देंगे, 5 to 10 तक, या फिर 1 to 10 तक, क्या रेटिंग देंगे आप, कितने खुश हैं हमारे सर्विस से। तो आज मैं देखने वाली हूँ बेसिकली कि आप तो सभी को रेटिंग्स देते, हम सभी को रेटिंग्स देते हैं, मैं भी हूँ, तो हमें गॉड अगर कोई रेटिंग्स देना चाहे कि हम अपनी सोल को कैसे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हम अपने लाइफ में सही से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, एंजल्स जो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंजल्स जो हमें गाइड करना चाहते हैं, वो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, बेसिकली ओवरऑल देखना चाहती हूँ ये जो ब्यूटिफुल सा लाइफ एज अ गिफ्ट गॉड ने हमें दिया है, तो हम उसका कितना सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी सोल का कितना सही से ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, आई होप मैंने क्लैरिटी दे दी कि क्यों मैं कर रही हूँ ये रीडिंग। अभी देख लूँगी कि गॉड आपको क्या रेटिंग देना चाहते हैं, एंड उसके बाद देखूँगी कि क्या अच्छा कर रहे हो आप, क्या कमी है, वो चीज़ें मैं आपको गाइड भी कर दूँगी। सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में मैं करने वाली हूँ। अब आपकी सिचुएशन अगर होगी तो हाँ जी, आप तो समझ ही जाएंगे। अगर आपको लगे कि नहीं ये मेरी सिचुएशन नहीं है, तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई आपको नहीं चाहती हूँ कि बिना क्लैरिटी में रखना। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, आप लोगों को पता चले आपकी ही ये रीडिंग है, और इसीलिए मैं हमेशा आपकी सिचुएशन डिस्कस करके उसके बाद ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं थोड़ी सी कुछ लोगों को थैंक्स बताना चाहूँगी। मेरे फैमिली में ज़्यादातर लोग, मैं बोल सकती हूँ 99.9% लोग बहुत प्योर सोल है। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जब मैं एंजल्स के साथ कनेक्ट होती हूँ, तो मुझे पता चलती है आप लोगों की वाइब आती है, और मुझे पता है क्योंकि अब मैं आप लोगों की कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, तब मुझे डायरेक्ट वो आंसर मिल जाती है कि हाँ, जो मैं फील कर रही हूँ सच में आप लोग हो। अभी 100% मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उनमें से कुछ परसेंट लोग हैं जो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट कर जाते हैं। मैं क्या बोलूँ कि कुछ चीज़ें होती है कि कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि नेगेटिव होते हैं, या फिर डिसलाइक्स आ जाते हैं, बल्कि जहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि आपकी सिचुएशन अगर ऐसी है तो आप वैसे ही गाइडेंस ले, फिर भी वो लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वो लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं आप लोगों को थैंक्स बताना चाहती हूँ जो डिसलाइक्स करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सच में मेरे रीडिंग में कुछ ना कुछ कमी होगी, इसीलिए आप लोग डिसलाइक करते हो, और मैं खुद को और भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ, और मैं करूँगी भी। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि इसीलिए आप लोग ऐसे तरीके से मुझे मोटिवेट करते हो कि मैं खुद को और भी ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट करूँ, और आप लोगों की और भी ज़्यादा मदद कर पाओ। अब आते हैं जो लोग लाइक्स करते, इतने प्यार प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो उनको मैं बहुत सारा ब्लेसिंग्स एंड मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ। मैं एंजल्स से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ एंजल्स, मेरी स्पिरिट्स गाइड, जो भी हो, आप लोगों की जो भी मुरादें हैं, आप लोगों की जो भी इच्छा है, सारी कुछ पूरी करें, ये मेरी दिल से कामना है। और आप लोग मुझे पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते हो कि नहीं, मुझे करनी है, आप लोगों के लिए करनी है, मुझे आगे बढ़नी है। आप, मैं जो भी कर रही हूँ उसमें कुछ लोगों की तो मदद हो रही है ना, जितने लोगों की ही है कुछ लोगों की मदद हो रही है। सो या
यही मुझे बतानी थी, बहुत दिनों से बहुत 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 मन कर रही थी कि मैं आपसे शेयर करूं। और या आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा, आपने सुना होगा। तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी। अगर आप चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं वीकली बेसिस पे रीडिंग्स डालती हूँ। एंड ऑल्सो पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अभी जो रेटिंग के बारे में मैं बता देती हूँ कैसे रीडिंग कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने 1 to 11 तक मैंने रेटिंग्स रखा हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं निकालूंगी, नहीं तो गुस्सा हो जाओगे मुझ पे। मुझे भी नहीं पता है किस में कौन सी रेटिंग है, तो मैं ये पूरी तरीके से आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगी। और आपके अपनी इंट्यूशन से चुननी है कि आपको कौन सा रेटिंग मिलता है, ठीक है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तो मैं कैसे करने वाली हूँ, अभी इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ ऐसे। गिव मी अ सेकेंड प्लीज, इसको स्प्रेड करने तक। चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। ओके ओके, सो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने ऐसे कार्ड्स को स्प्रेड किया हुआ है। अभी कैसे आपको यूज़ करनी है, तो यहाँ पर 3 रोज है, ये रो 1, ये रो 2 एंड ये रो 3। अभी ये 2 कार्ड्स किस लिए इस्तेमाल करूँगी ये मैं बाद में बता दूंगी। अभी समझ लो आपको कैसे देखनी है, रो 1, 2 एंड 3। ओके, एंड एक एक रोज में 3 करके कार्ड्स हैं। मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है और उसमें से एक कार्ड को चूज करनी है जो कि आप खुद के लिए चुनोगे और रेटिंग्स भी खुद ही सिलेक्ट करने वाले हो अपने इंट्यूशन से। मेरा यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं होगा। ओके, तो ऐसे करके होगा। एंड यहाँ पर जो 2 कार्ड्स है, ये 2 कार्ड्स होगी कि इनमें से मैं अपनी इंट्यूशन से आपकी ओवरऑल जो एनर्जी होगी, आपकी ओवरऑल एनर्जी से एक कार्ड पिक करूंगी और देखूंगी आपके लिए क्या मैसेज है और आपको क्या रेटिंग्स मिलते हैं, वो मेरी तरफ से होगी, ठीक है। ये जो 2 कार्ड्स है इसको इसीलिए हटा देती हूँ। एंड यहाँ पर आपको एक रो चूज करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, डायरेक्ट वहाँ से आप अपनी रो को सिलेक्ट कर सकते हो और अपना रीडिंग्स देख सकते हो। अच्छे से थोड़ी सी पॉज करके देख लो कौन सी रो में आपको लग रहा है कि आपका आंसर छुपा हुआ है, आप देख लो। हे ऑप्शन 1, अगर आपने रो 1 को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। अच्छा, अभी इनमें से आप अपनी चूज कर लो इनमें से क्या रेटिंग है, मुझे नहीं पता, लास्ट में मैं देखूंगी। ओके, और आप चूज कर लो सबसे पहले 1, 2 एंड 3। इंट्यूशन को सुनो, पॉज करो और चूज करो सबसे पहले कि आपको कौन सी लग रहा है कि ऐसी। और मैं कार्ड्स देखती हूँ आपके, थोड़ी सी शफल कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि आप कैसा जा रहे हो, स्पिरिट्स मुझे क्या बता रही हैं। थैंक यू, मुझे यहाँ से क्या मिलता है जानने को। ग्रुप 1 स्पिरिट्स प्लीज बताइए फर्स्ट, मुझे 3 कार्ड्स ही चाहिए स्पिरिट्स। एंड सेकंड एंड 1 मोर थर्ड, थैंक यू। बॉटम से देख लूंगी क्या है, बॉटम से है एस ऑफ कप्स, ये मैंने देखे उल्टा पकड़ा हुआ है, सो या एस ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है लवर्स का, द लवर्स। ओके, सेकंड है 7 ऑफ पेंटिकल एंड थर्ड है 6 ऑफ रॉड्स। वाओ, वेरी, मुझे यहाँ पर बहुत ही एक अच्छी वाइब आ रही है गाइस आपके लिए। ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप सही नहीं जा रहे हो, आप अपने लाइफ में सही नहीं कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। बल्कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप
कुछ लोगों को यहाँ पर शायद बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है, एंड कुछ लोग अपने लव लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले दे रहे हो, प्रेजेंट एनर्जी में बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके लव लाइफ में ये चल रही है, तो लव लाइफ को बहुत ज़्यादा आप प्रायोरिटी दे रहे हो, आप लव लाइफ को लेकर या फिर लव रिलेटेड कुछ यू नो सिचुएशन को लेकर ज़्यादा सोचना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो और लोगों के लिए जो लोग लव रिलेटेड नहीं जानना चाहते उनके लिए यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है कि आप बैलेंस मेंटेन करके कहीं ना कहीं अपने लाइफ में चलना चाहते हो, कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हो और कुछ लोग के लिए बैलेंस की कमी है। फिर नेक्स्ट है सेवन ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं मुझे बताती है, ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है, या ओके तो सेवन ऑफ पेंटिकल मुझे कहीं ना कहीं बताती है कि आप अभी इन प्रेजेंट एनर्जी में आप फाइनेंस खल रही है, फाइनेंस में कुछ कमी है जो कि आपको लग रहा है, वर्क में कुछ ना कुछ कमी है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा सोच रहे हो, पैसों में कमी के बारे में सोच रहे हो, या फिर रिलेशन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी आपको खल रही है मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और मायूस हो उस वजह से कहीं ना कहीं आप मायूस हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट एंड ऑफ द डे जाके सिक्स ऑफ रॉड्स मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज देती है कि ये एक बहुत ही मेरे लिए एक प्रिटी कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, ये लीडरशिप का कार्ड है, ये सक्सेस के बारे में बताती है, ये विक्ट्री के बारे में बताती है। ये कार्ड्स में आप अगर देखेंगे तो सारी कुछ है, ठीक है, एक पेड़ है उसमें रेड रेड मैंने फ्रूट्स है, ऊपर ये विंड है, देन यहाँ पर आप रेन देख पा रहे हो, यहाँ पर सन है, और यहाँ पर आप देख अगर देखोगे तो यहाँ पर रूट्स भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो या मैं ओवरऑल बता सकती हूँ कि आप सारे कुछ चाहते हो, ठीक है, ये मुझे आपके लिए फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो और सब कुछ सही हो, कौन नहीं चाहते हैं, सब ही चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, बट आपके लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे तलाश रहे हो या फिर आप चाहते हो कुछ चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो एंड आप उसका फल पाना चाहते हो, मुझे आपके लिए ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। अभी जो राइडर टैरो डेक है उनमें से ये तो मेरे हैंडमेड था, अभी मैं देखूँगी इस टैरो डेक से एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करके, ठीक है, लवर्स क्या बताना चाहते हैं सो दैट हमें और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर लवर्स क्यों हैं, फर्स्ट कार्ड है, ओके टू कार्ड्स है यहाँ पर, टेम्परेंस एंड आप देख पा रहे हो एट ऑफ वंड्स है, कहीं ना कहीं टेम्परेंस एंड एट ऑफ वंड्स बताती है कि टेम्परेंस एंड एट ऑफ वंड्स या डेफिनेटली आप किसी के कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो, यहाँ पर वेटिंग एक एनर्जी फील हो रही है, एंड ऑल्सो कहीं पर अगर बिजनेस कर रहे हो, दो बिजनेस एक साथ कर रहे हो या फिर दो चीज़ों को एक साथ संभालने की कोशिश, कुछ ऑनलाइन में कुछ करने की कोशिश, कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश, यहाँ पर कुछ पेशेंस दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप पेशेंस करके बैठे हुए हो, ओके सो या लवर्स है इसीलिए। फिर नेक्स्ट है सेवन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल क्यों है, जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रेंथ मुझे दिखा था, सो आई फील के कुछ लोग यहाँ पर जैसा कि मैं कह रही थी कि लो एनर्जी में हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं खुद में वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हो, खुद को क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, या डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड एनर्जी में आना चाहते हो, अभी की जो एनर्जी है आपको सर्व नहीं कर रहा है एंड आप चाहते हो कि बस इस एनर्जी से बाहर निकाला जाए या फिर आप खुद निकलो यहाँ से, जो भी कमी है, जो भी प्रॉब्लम्स है बस हट जाए, ऐसा फीलिंग आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, ठीक है। या सेवन ऑफ पेंटिकल भी बताती है कि क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एनर्जी, ओ माय गुडनेस, यहाँ पर सिक्स ऑफ रॉड्स को सिक्स ऑफ रॉड्स ने क्लैरिफाई किया, मैं और क्या बताऊँ, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए कि आप बहुत जल्द वो सक्सेस रिसीव कर सकते हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, नियर फ्यूचर बहुत जल्द आपको दिख जाएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट एनर्जी चेक कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपको वो सक्सेस मिलने की चांसेस यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। मैं एक कार्ड चाहूँगी, स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये अपने, उप्स
स्पिरिट्स को बहुत जल्दी है बता आ, आ, आपको आंसर देने की. सो लास्ट एक चीज़ जानना चाहूँगी स्पिरिट्स कि ये अपने लाइफ में इन फ्यूचर जो भी चाहते हैं अभी प्रेजेंट एनर्जी में इन फ्यूचर वो कितने परसेंट चांसेस है कि वो अचीव कर ले. पर्सन मतलब एक कार्ड मुझे दीजिए सो मैं समझ जाऊंगी कि इनको क्या मैसेज. ओके देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल उसके बाद ही एट ऑफ पेंटिकल आया हुआ यानी कि आपको मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है. जजमेंट या डेफिनेटली आपको जजमेंट मिलेगी अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा. यहाँ पर स्पिरिट्स ने क्लियरली आंसर दे दिया है. सो लगे रहो क्योंकि आपको विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि टू टाइम्स मैंने जब इस कार्ड को क्लैरिफाई किया सिक्स ऑफ रॉड्स को फिर से सिक्स ऑफ रॉड्स आई सो दैट मैं बता सकती हूँ डेफिनेटली बहुत अच्छी विक्ट्री आपको मिलेगी. ओके सो लगे रहो वो बोलता है लगे रहो मुन्ना भाई वैसा वाला. बहुत मुझे यू नो आपको शायद ज़रूरत है वो एनर्जी की मुझे ऐसा फील हो रहा है या फिर आप अपने में वो एनर्जी लाने की अभी कोशिश कर रहे हो कि नहीं मुझे ऐसी एनर्जी खुद में लानी है वैसा फील मुझे हो रहा है. अभी आपने शायद कार्ड्स चूज़ कर ली है कि किसने कौन सी कार्ड देखनी है. एक से भी ज़्यादा चूज़ कर सकते हो. देख लेते हैं किसने क्या रेटिंग और क्या गाइडेंस स्पिरिट्स की तरफ से पाया है. फर्स्ट जिन्होंने इसको चूज़ किया है सो मुझे सबसे पहले तो ये ड्राइंग देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं आप झंडे गाड़ना चाहते हो कुछ. जैसे कि मैंने कहा ना कुछ अचीव करना है कुछ पाना है मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है. बस एक ऐसी ढीट वाली वाइब मुझे आपसे आ रही है. ठीक है बहुत मेहनती हो सकते हो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है मुझे ऐसा फील हो रहा है. तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपके लिए गाइडेंस ज़रूर ये होगा कि आप मेहनत करो आगे बढ़ो. अभी देख लेते हैं क्या रेटिंग है. 4 ओके सो 4 रेटिंग क्या बता रही है. बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफवे देयर. मैंने कहा था ना कि आप बहुत मेहनती हो या पर स्पिरिट्स भी आपको वही कह रही है कि आप अगर सोचो कि आप कर सकते हो एंड यही सोच आपको कहीं ना कहीं आपके जो मंजिल है उस तक हाफवे तक पहुंचा देगी. ठीक है तो आप में वो स्ट्रेंथ की कमी है मैंने कहा था लो एनर्जी है तो उसको लाने की ज़रूरत है और उसको अगर लाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है मुझे यहाँ पर दिख रहा है. अभी जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है तो उनके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी जिस भी एनर्जी में हो कहीं ना कहीं एक होती है ना कि सनसेट वाली एनर्जी था अभी सन राइज हो रही है तो वैसे वाली आपके लिए मुझे एनर्जी फील हो रही है. ठीक है देख लेते हैं क्या. ओके 2 तो डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि आप एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हो जो भी आप अपने लाइफ में चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं आप एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हो. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सम पीपल लुक फॉर अ ब्यूटिफुल प्लेस अदर्स मेक अ प्लेस ब्यूटिफुल. ये पाइल जो है ना बहुत मेहनती पाइल है और आपको अपने लाइफ में जो भी अचीव करनी है ना बहुत मेहनत से शायद अचीव करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मैसेज आ रही है कि आप अगर मेहनत करोगे तभी आपको वो चीज़ मिलेगा. अगर यू नो हार मान लोगे तो सच में मतलब वो मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ साफ वो मैसेज मिल रहा है कि अगर लक के भरोसे बैठे रहोगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं मिलने वाला. अगर आप मेहनत करोगे तो आप जो भी हासिल करना चाहते हो मुझे यहाँ पर 333 भी दिखा तो आप जो भी हासिल करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो क्योंकि आपको पॉजिटिव रहनी है पॉजिटिव सोचनी है. अगर नेगेटिव थॉट्स लाओगे छोड़ दोगे हाल तो कुछ भी नहीं मिलने वाला बेसिकली. ठीक है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिल जाते हैं यू नो वो कहते हैं ना लक उनके साथ ही है बट वैसा कुछ आपके लिए मुझे नहीं लग रहा है बट आप खुद से कर सकते हो ऐसा फील हो रहा है. ओके तो बहुत खूबसूरत एक एनर्जी है. ऐसा मत सोचो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोलना चाहिए कि ऐसा मत सोचो कि हमें तो मेहनत करके मिल रहा है और लोगों को तो मिल जा रही है ऐसा बिल्कुल मत सोचना है. खुद से खुद मेहनत करके जो फल मिलता है ना उसका मज़ा ही कुछ और होती है. अगर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए तो उसका मज़ा नहीं होती है. मैं समझती हूँ ये चीज़ क्योंकि मुझे कोई भी काम में मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो मुझे बहुत 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 सारी मेहनत करनी पड़ती है
एंड उसके साथ ही बहुत कुछ मुझे झेलना पड़ता है, फिर भी मैं हंस के वो चीज़ सह लेती हूँ, क्योंकि मैं मुझे पता है कि अगर मैं नहीं हंसूँगी और अगर मैं ऐसी हार मान लूँगी तो अल्टीमेट मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि लक के भरोसे तो मुझे नहीं मिलने वाला, मुझे अपनी मेहनत करनी है। सो या वैसे ही आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको भी वैसा सोचने की ज़रूरत है कि मेहनत करके सही मुझे जितना मिलेगा तो उसका ना मज़ा कुछ और होगा। आप करके देखिए, ठीक है? या तो जिन्होंने भी इस फाइल को मतलब ये ऑप्शन को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत एक प्योर सोल हो, आप लोग को फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं, कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद हो सकती है, कुछ स्मेल्स बहुत पसंद हो सकती है, कुछ भी चीज़ का स्मेल बहुत पसंद हो सकती है, ऐसा फील हो रहा है। एंड ऑल्सो आप लोग बहुत ग्रो करोगे अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है, यू नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि और लोगों को लगे कि बहुत छोटे हैं, कब करेगा, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टाइम निकल जा रही है, ऐसा फील आपको हो सकता है, या फिर और लोग बोल सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, बट उनके उनके बातों में आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप ग्रो करोगे। ओके, आपके लिए है 6 रेटिंग, मैंने कहा ही था 6 of 1, 6 रेटिंग, वाओ ब्यूटिफुल पाइल। यू नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक एक कार्ड के लिए एक एक यू नो मैसेज आया हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 6 of 1 जिन्होंने 6 of 1 जिनके लिए था तो वो उनके लिए 6 आया हुआ है, 7 of Pentacle था तो उनके लिए 2, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और जिन्होंने लवर्स को चूज़ किया था यू नो उनके लिए 4 आया हुआ है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, उनको बैलेंस की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर भी 6 है एंड यहाँ पर भी 4 है, ठीक है? तो वैसा कुछ फील हो रहा है। चलिए आपका आपके लिए बोल देती हूँ कि पे अटेंशन टू द प्रेजेंट, यू कैन इम्प्रूव अपन इट। हैं, मैंने आपको जो कहा था कि आप अगर ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हो, ये सोचते हो कि इन फ्यूचर कर पाऊँगी कि नहीं, और लोग आपको कुछ कह के चले जाते हैं, उससे आप डीमोटिवेट हो जाते हो, या फिर यू नो कुछ ऐसे सोचने लगते हो तो भाड़ में जाए और लोग हाँ खुद से कहो, ऐसा खुद से कहो कि बाहर में जाओ तुम लोग, मुझे अपना जो काम करनी है बस करनी है, क्या है एज, अगर भगवान चाहे ना आपको अभी के अभी वो चीज़ मिल सकती है, अगर भगवान चाहे वो चीज़ें आपको शायद 10 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, कहीं ना कहीं तो हमारी जो डेस्टिनी है वो भी डिपेंड करती है, बट मेहनत हम कितना कर रहे हैं उसके अनुसार हमें वो फल मिलता है, तो मेहनत करते जाओ, आपके लिए विक्ट्री तय है, ठीक है? वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये फोकस हो रही है, राइट? ओके, अभी यहाँ पर से अगर स्पिरिट्स के गाइडेंस से अगर मुझे एक चूज़ करनी है तो मैं कौन सी वाला चूज़ करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता भी देती हूँ क्यों मैं वो वाला चूज़ करूँगी, वो एक्सप्लेन करके उसके बाद मैं चूज़ करूँगी। यहाँ पर एक लव है, इसका विंग्स है जो कि फैल रहा है, यहाँ पर एक यू नो एक सन है, सन की एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं एक सनसेट वाली भी वाइब है और सनराइज वाली भी वाइब है, कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे आप लोगों के लिए ये कार्ड लग रहा है, एंड क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने लाइफ में यू नो ग्रोथ की तरफ जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप अपने लाइफ में जितना मेहनत करोगे उतना मेहनत करोगे, आप अपने लाइफ में उतना ज़्यादा फेम देख पाओगे, उतना ज़्यादा आप यू नो आगे बढ़ोगे, ठीक है? मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है और इसीलिए मैंने ये वाला चूज़ किया, क्योंकि सन की वाइब भी आ रही है। सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या रेटिंग है। 5 ओवरऑल आप लोगों के लिए 5 है, तो मैंने कहा ही था कि मैं बोल सकती हूँ आप लोग ऑलरेडी हाफ वे पहुँच चुके हो आप लोगों की मेहनत से, और थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अपना गोल अचीव कर पाओगे। गाइडेंस के तौर पे आपके लिए है, ऑल वी हैव टू डिसाइड इज व्हाट टू डू विद द टाइम दैट इज गिवन आस। देखिए, हम तो बहुत कुछ डिसाइड कर लेते हैं, हम बहुत कुछ सोच लेते हैं कि हम 20 की उम्र में हम ये करेंगे, 25 की उम्र में हम ये करेंगे, 30 के उम्र में हम ये करेंगे, तो वैसा प्लानिंग कुछ भी हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं, कुछ लोगों के लिए शायद हो पाता है, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लगता है कि बहुत कुछ हम सोच लेते हैं कि लेकिन टाइम के साथ वो होगा कि नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है करते जाओ, बस करते जाओ, प्लानिंग दिमाग में है, सही है, कोई बात नहीं है,
बस करते जाओ, आपको आगे आप जो भी चाहते हो वही मिलने वाली है, बस ये सोचो और करते जाओ। आपके लिए ये सारी गाइडेंस मुझे यहाँ से मिल रही है, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। बहुत छोटी सी प्यारी सी रीडिंग थी एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हे ऑप्शन टू, अगर आपने रो टू को चूज़ किया है, सर ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहली मैसेज मुझे यहाँ पर से जो मिल रहा है कि आप लोगों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, वैसा कुछ मुझे फील हो रहा है, कुछ लोगों के लिए होगा, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज होगी। और देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बताती हैं, और आई होप आपने चूज़ कर लिए, यहाँ से चूज़ कर सकते हो, अभी भी बहुत टाइम है, डोंट वरी, मैं कार्ड्स निकालती हूँ, तब तक आप चूज़ करो, एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पर। के कार्ड्स बहुत फ्लो आउट हो रही है, मतलब मैं बोल सकती हूँ बहुत ज्यादा आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, वो वाली फीलिंग आ रही है, या डेफिनेटली जो भी चाहते हो उसमें बहुत जल्दबाजी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि जल्दी जल्दी जितना हो सके जल्दी जल्दी चलो पहुंचो। चलो देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, कार्ड्स क्या बताती है। फॉर ग्रुप टू जिन्होंने भी रो टू, फर्स्ट कार्ड मुझे थ्री चाहिए, देन सेकेंड एंड लास्ट थर्ड। सो देख लेते हैं, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए फाइव ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड है आपके लिए टेन ऑफ पेंटिकल, वाओ, पेज ऑफ कप्स, वाह यार क्या एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहले कार्ड्स को मैं बोल देती हूँ, उसके बाद उसको क्लैरिफाई करूंगी राइडर डेक टैरोट से, ओके, और भी ज्यादा क्लैरिटी मिले हमें इसीलिए। फर्स्ट कार्ड आपके लिए है फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स मुझे क्या बताती हैं कहीं ना कहीं कि कुछ ऐसी एनर्जी जहां पर जैसे हो सक, यहां पर आप देख ही पा रहे हो कि बादल से बारिश भी हो रही है बहुत कम, लेकिन वो ज्यादा गरज रही है, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि कुछ चीजें है जो कि आपके मन में बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ उतना ज़्यादा नहीं है। ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, बहुत दुख में चले जा रहे हो, बट अगर सोचो तो उस चीज़ को लेकर उतना सोचने का फ़ायदा नहीं है, या फिर उन चीज़ों के ऊपर अपना एनर्जी वेस्ट, अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप अपने सिचुएशन के अनुसार देख लो कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, आपकी सिचुएशन में आप क्या ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको इस पर अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अपनी एनर्जी कहीं पर और लगानी चाहिए जहाँ पर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, या फिर जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। हो सकते हैं कि आप ऐसे इंसान को पसंद करते हो जो आपको वैसे ही फिट, मतलब वैसे ही तरीके से नहीं ट्रीट करते हैं कि जैसा आप हमेशा से चाहते थे, या फिर आप उनको करते। तो आपको क्या लगता है कि आपको वहाँ पर क्या करनी चाहिए? सो ऐसे डिसीजन कहीं ना कहीं आपको लेने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देन है टेन ऑफ पेंटिकल, ओके, तो मैं बोल सकती हूँ कि आप बहुत अबंडेंट हो और इन फ्यूचर और भी ज़्यादा होंगे, और मुझे यहाँ पर आप में ना कोई कमी नहीं दिख रहा है, मुझे कहीं ना कहीं आप लग रहा है कि आप परफेक्ट हो, जैसे भी हो ना आप परफेक्ट हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप अगर अपने फाइनेंस को लेकर देख रहे हो, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, अगर आप अपने लव लाइफ को सही करना चाहते हो जस्ट गो अहेड, बट आपको वहाँ पर अपना फ़ायदा देखनी चाहिए कि आपको ऐसा नहीं है कि फ़ायदा, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं आप सिर्फ इन्वेस्ट ही कर जा रहे हो, आपको वापस कुछ नहीं मिल रहा है। तो वैसा मैं कुछ आपको गाइडेंस देना चाहूँगी कि जहाँ पर आपको
वापस मिल भी रहा है वो जो चाहते हो आप, तो वहाँ पर इन्वेस्ट करके फ़ायदा है। और आप अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और इस टाइम पे कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए सजेस्टेड होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। फिर देन है पेज ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल हो, बहुत कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपकी एज बहुत कम है, या फिर आपकी फैमिली है, आप शादीशुदा हो, चाइल्ड है आपकी ऑलरेडी एक, ठीक है, लड़का हो सकती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, तो कुछ चीज़ों को लेकर आपको, मुझे यहाँ पर जो लग रहा है कि पेज ऑफ कप्स से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इमोशंस बहुत है, ठीक है। हो सकते हैं फैमिली को लेकर थोड़ी सी परेशान हो, अपने अपने बच्चों को लेकर थोड़ी सी परेशान हो, या फिर अपने खुद की इमोशंस कुछ हो सकती है उसको लेकर परेशान हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि इमोशनली जो फुलफिलमेंट होती है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहा है। मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में या फिर फाइनेंस में या फिर घर में कुछ वैसा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहा है। मुझे प्रॉब्लम्स ज़्यादातर दिख रहा है कि आपके इमोशंस में, आप लोग बताना अगर आपने इस फाइल को चूज़ किया है तो इमोशनली आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो। अगर आपके पास फाइनेंस है भी तो वहाँ पर आपको वो इमोशनल जो सेटिस्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा फील मुझे यहाँ पर से हो रहा है, ठीक है। ईच कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है स्पिरिट्स, फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है स्पिरिट्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, ओके। सो यार कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मुझे, मैं राशि आपको पता ही है कि नहीं बोलती हूँ, साइंस इसीलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि जनरल होती है और वैसे साइंस मैटर नहीं करते है। फिर भी मुझे यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आ रही है कि आप लोग हो सकते हो कि पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, तो हो सकते हो आप, एंड ऑल्सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है बहुत यहाँ पर, दोनों साइंस स्ट्रांग है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली लाइफ में कुछ तो चाहते हो कि हैप्पी से हो जाए, किसी से शादी करना चाहते हो या फिर किसी को प्यार करते हो, कुछ तो यहाँ पर हैं जहाँ पर आप खुशियाँ चाहते हो, फुलफिलमेंट चाहते हो, बट आपको वो नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई आप बहुत परेशान हो रहे हो, ठीक है, मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। इसीलिए फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है क्योंकि आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हो। फिर है टेन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है स्पिरिट्स, टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर, ओके, फाइव ऑफ स्वर्ड्स, ओके। सो घर पे कुछ कलेश हो सकती है मुझे ऐसे फील हो रहा है, या फिर पैसों को लेकर अभी फिलहाल कुछ परेशानी हो सकती है, या फिर कुछ झगड़े हो रही है घर पे, फैमिली में कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पर लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आपके फाइनेंस में कुछ इश्यूज हो रही है, कुछ तो ऐसी है जो कि फैमिली रिलेटेड या फिर फाइनेंस रिलेटेड है, ठीक है, झगड़ा हो रही है। ऑल्सो ये हो सकते हैं कि अगर ऐसा मैसेज मुझे क्यों मिला मुझे नहीं पता, बट मिला है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। कुछ लोग लिव इन में रह सकते हो, मुझे यहाँ पर वो फील हो रहा है, तो लिव इन में रह रहे हो, तो जो लोग भी लिव इन में रह रहे हो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कलेश हो रही है कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है। फैमिली बनाना चाहते हो आप, शादी करना चाहते हो बट वो नहीं करना चाहते हैं, कुछ ऐसा मुझे वाइब आ रही है। एंड जो लोग रिलेशन में हो उनके लिए भी मुझे शादी को रिलेटेड ही कुछ कलेश लग रही है, कमिटमेंट रिलेटेड कुछ कलेश लग रही है, ओके। दो कार्ड्स है यहाँ पर, पेज ऑफ फ्रॉड्स क्यों हैं, एक सेकंड, मैं रेडी नहीं थी, स्पिरिट्स, पेज ऑफ फ्रॉड्स यहाँ पर क्यों हैं, स्पिरिट्स, पेज ऑफ कप्स क्यों हैं, ओके, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे बता रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है कि बहुत या इक्वल एंड गिव एंड टेक आप चाहते हो आप अपने लाइफ में, एंड जो सामने वाला पर्सन है ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या आपके पर्सनली आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो जहाँ पर भी मेनली आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक, आप चाहते हो कि उनको कुछ बताना, आप चाहते हो किसी को कुछ ऑफर देना, आप किसी से अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हो, यहाँ पर कुछ इमोशनली यू नो मुझे जाहिर करना लग रहा है, किसी से कुछ जाहिर करने की कोशिश करना, किसी से किसी को कुछ बताना, या फिर इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो कि अगर आपके यू नो
अगर आपके किड्स बाहर रहते हैं या फिर आपके बच्चे बाहर रहते हैं तो उसको लेकर भी परेशान हो सकते हो. बहुत स्पेसिफिक होगी ये बेसिकली. तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा यू नो हस्बैंड एंड लव लाइफ रिलेटेड लग रही थी. ठीक है, फ्रेंकली. ओके, सो एक ऐसी देखना चाहूँगी कि स्पिरिट्स क्या बताना चाहती है जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या फिर आप अपने इन प्रेजेंट आप अपने लाइफ को जैसे डील कर रहे हो, इन फ्यूचर जाके आपको कितना सक्सेस मिलने वाली है. ओके, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो, जो लोग शादी के लिए देख रहे हो, बहुत अच्छी चांसेस, बहुत 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 अच्छी चांसेस बन रही है. वैसे तो ये जनरल है, नहीं बताना चाहती हूँ, बट कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये 5 मंथ हो, कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये 5 ईयर्स हो. ओके, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई, बट या मुझे यहाँ पर दिखा सो मैंने बता दिया. ओके, अभी आपने शायद यहाँ पर से चूज़ कर लिया है, अभी देख लेते हैं कि क्या रेटिंग्स आपने खुद के लिए चूज़ किया है अपनी इंट्यूशन के थ्रू. जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है तो मुझे उनके लिए फ़ील हो रहा है कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में धीरे धीरे ही सही बट आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, जो भी चाहते हो, जो भी गोल है आपका, जो भी इच्छा है बोल सकती हूँ, वहाँ पर वो इच्छा धीरे धीरे ही सही बट आगे बढ़ रही है. ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा. आप ओ वाओ, 8 नंबर, या डेफिनेटली मैंने धीरे धीरे कहा एंड 8 एक इन्फिनिटी साइन होती है. सो या डेफिनेटली आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. आप कुछ भी यू नो, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप इमोशनली फुलफिलमेंट चाहते हो. ठीक है, वो 10 of Cups वाली जो एनर्जी है वही फील हो रहा है. धीरे धीरे सही बट आपको वो मिलेगा. लाइफ इज लाइक राइडिंग अ bicycle, to keep your balance you must keep moving. या उसी के साथ आपको बैलेंस की ज़रूरत है. यहाँ पर मैसेज आपको दिया जा रहा है कि एक साथ अगर पाना चाहोगे तो डेफिनेटली वो नहीं पा सकते हो. यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं धीरे धीरे सही बट आपको मिलेगा. ठीक है, ये मैसेज थी आपके लिए. जिन्होंने अभी सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक ऊंचाई पे अपना झंडे गाड़ना चाहते हो. एक ऊंचाई तक उड़ना चाहते हो. आप कुछ तो अचीव करना चाहते हो, कुछ तो आपका गोल है जो कि आपके लिए एक ट्रॉफी जीतने के बराबर है, मुझे ऐसा फील हो रहा है. ठीक है, तो वैसे ऊंचाई तक आप उड़ना चाहते हो. देख लेते हैं क्या रेटिंग आपने चूज़ किया है. ओके, 1, यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम. ओके, ये 1 रेटिंग इसीलिए है कि आपके जो थॉट्स है कहीं ना कहीं वो आपकी ब्लॉकेजेस बन रही हैं. क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो, ये कुछ लोगों के लिए होगा कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो बेसिकली कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको शायद मिलते मिलते रह जाती है कुछ लोगों के लिए. एंड कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि आपको इस वक्त पे वो चीज़ें नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो. ठीक है, और 1 कहीं ना कहीं मुझे एक स्टार्टिंग की बात करती है. तो आपको अपने लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करने से डरना नहीं है. मुझे एक फियर लग रही है कि कुछ न्यू स्टार्ट करने से आप डरते हो या फिर कुछ चले जाने से बहुत डरते हो, कुछ आपके हाथ से छूट जाए, ऐसे कुछ डर आप में लगी रहती है. और यही डर ना आपको कहीं ना कहीं पीछे ढकल रही है. आप अगर ये 10 of Pentacles वाली जो एनर्जी है आप उसमें आ सकते हो, आप पा सकते हो. बट प्रॉब्लम ये है कि आप सोच रहे हो कि आपकी ज़्यादा एज हो चुकी है, आप कुछ भी चीज़ करने से डर रहे हो या फिर कुछ तो ऐसे थॉट्स आपकी हैं जो कि ब्लॉकेजेस बन रही है. यहाँ पर मुझे वो मैसेज आपके लिए मिल रहा है. तो अभी आपके देखिए कि क्या ऐसी थॉट्स है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है. उसी थॉट्स को यहाँ पर चेंज करने के लिए बोला जा रहा है. 1 रेटिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गलत जा रहे हो, बल्कि मुझे आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू शुरुआत, आपको अपने लाइफ में न्यू शुरुआत करने से कभी भी डरना नहीं है. और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट भी करने वाले हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है. ये न्यू स्टार्ट कुछ भी एंगल से हो सकती है. अभी आप देख लीजिए कि आप अपने लाइफ में कैसी तरीके से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं. ओके, और जिन्होंने भी 3rd ऑप्शन को चूज़ किया है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज मिल रहा है, उड़ान. ठीक है, जैसे कि आप उड़ने वाले हो बहुत जल्द या फिर आप उड़ान ले चुके हो. ठीक है, आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए, आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं आप वो उड़ान ले चुके हो. देख लेते रेटिंग क्या है आपकी. या मैंने कहा ही था 9.
9 रेटिंग है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत क्लोज हो अपने गोल तक पहुंचने के लिए। मुझे जो फर्स्ट ही मैसेज मिला, द बैड न्यूज़ इज़ टाइम फ्लाइज, द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट। अगर इस वक्त आपको लग भी रहा है कि कुछ चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रहा है, गलत ट्रैक पे जा रही है, तो डोंट वरी, उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं यहाँ पर कि आप एकदम सही रास्ते पर हो, ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही मतलब आगे बढ़ते रहो, आप सही जा रहे हो, मुझे आपके लिए लग रहा है एकदम सही जा रहे हो। अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना, उसको नज़रअंदाज कर दो, बस जाने दो, ठीक है। मुझे ऐसा या आपके लिए फील हो रहा है, एंड बहुत सिंगल एनर्जी भी फील हो रहा है, हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली सिंगल हो सकते हो, ओके, जिन्होंने ये ऑप्शन को चूज़ किया है उनके लिए मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो अभी लास्ट जो मैंने कहा था कि इनमें से मैं स्पिरिट्स के थ्रू आपके लिए देखना चाहती हूँ कि मुझे क्या लगता है कि आपको कौन सा चाहिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वाला आपके लिए सही होगा, क्योंकि मुझे ना आपके लिए एक एंजल प्रोटेक्शन दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट, आपका सोल बहुत प्रोटेक्टेड है, और एंजल्स कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रही है, क्योंकि आपके इमोशंस ज़्यादा यहाँ पर आया हुआ है। सो मैं बता सकती हूँ कि आपके इमोशंस आपके काम से जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ भी आप जो भी दिमाग में सोच रहे हो अभी, वो कहीं ना कहीं इमोशनली सोच रहे हो या फिर इमोशंस से जुड़ा हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो दैट दिस इज़ फॉर यू, एंड या देख लेते हैं क्या रेटिंग है। 7 या ऑलमोस्ट 8, 7 and 9, ऑलमोस्ट क्लोज हो आप, ठीक है। हैप्पीनेस इज नॉट बाई चांस बट बाई चॉइस, ओके। या यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए कि हैप्पीनेस, अगर आपको हैप्पी रहना है तो वो बाई चांस नहीं मिलती है, कि अचानक से कुछ हो जाए, आप खुश हो जाओ, उसके बाद नहीं होगा तो आप दुखी हो जाओ। तो ये एक चॉइस है कि आपको किस मोमेंट पे खुश रहनी है, कब या ऐसा क्या करो जिससे आप खुश हो जाओ, तो ये आपके ऊपर है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसा मुझे आपके लिए कुछ फील हो रहा है, एंड यही था आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, अच्छा लगा है। सो डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक करके जाना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हे ऑप्शन 3, अगर आपने रो 3 को चूज़ किया है, सही रीडिंग है आपके लिए। आई होप आपने चूज़ कर लिया है ना, इसमें से आपको कौन सी वाली चाहिए, तो अभी भी टाइम है, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर शफल करूँगी आपके लिए, आपकी प्रेजेंट एनर्जी अभी देखूँगी और आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। तब तक चूज़ कर लो, मन से चूज़ कर लो, देख लेते हैं आपके लिए क्या आती है, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या बताती है, अभी आप इस वक्त कहाँ पर हो, कैसा महसूस कर रहे हो, ये सारे कुछ देखेंगे, ओके। देख लेते हैं, तो ये है फर्स्ट कार्ड एंड दिस वन इज सेकंड एंड लास्टली है ये वाला थर्ड, ओके। ये ऑलरेडी रिवील हो चुके थे सैया, बहुत जल्दी है शायद आप लोगों को कुछ जानने की ऐसा फील हो रहा है। चलिए फर्स्ट कार्ड आपके लिए है 8 of Pentacles, अच्छा। देन है 10 of Pentacles, वाओ। Page of Pentacles, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन तो बहुत स्ट्रांग है भैया यहाँ पर। बेसिकली ये जनरल है, तो मैं कभी भी राशियाँ नहीं बोलती हूँ, आपको पता होगा, क्योंकि जनरल होती है तो राशियाँ मैटर नहीं करती, बट यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, अगर वैसा आपकी अगर राशि ये नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मैं बोल सकती हूँ कुछ खरीदना, कहीं पर जाना, अपने फाइनेंस के ऊपर, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली वही चीज़ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कुछ घर बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, घर बनता हुआ, एंड उसके बाद आप घर पे शिफ्ट हो रहे हो ऐसा, या मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के यहाँ पर दो दो जगह पर घर हो सकती है, या फिर आप दो दो घर बनाना चाहते हो कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ दो फ्लैट्स दो घर कुछ ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। एंड 8 of Pentacles बता रही है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ के ऊपर आपने अपने वर्क लाइफ या फिर फाइनेंस या फिर लव लाइफ कुछ चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, बस बहुत क्लोज हो, मुझे वो चीज़ आप अपने गोल अचीव करने के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि देखिए ये सारे पेंटिकल ऑलमोस्ट लग चुका है, सिर्फ एक ये पेंटिकल है जो कि ये अगर
यू नो यहाँ से ऊपर उठेगी और यहाँ पर फिक्स्ड कर देंगे तो बिल्कुल आपका विश फुलफिल हो जाएगी। तो वैसे ही कुछ मुझे आपके लिए फील हो रहा है कि बहुत क्लोज हो आप अपने गोल की, एंड आप जो भी चाहते हो उस चाहत की बहुत ज़्यादा क्लोज हो, मुझे वो आपके लिए दिख रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल वही बता रही है कि एक विश फुलफिलमेंट, एक प्रॉपर यू नो फुलफिलमेंट मुझे दिख रहा है कि जो भी चाहना उसमें एक फुलफिलमेंट दिख रहा है। ठीक है, प्रेजेंट एनर्जी में मुझे हो सकते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर एंड लगे हुए हो, वैसा ही फील हो रहा है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बता रही है शायद हो सकती है कि आपको इस वक्त वो चीज़ें बहुत छोटी लग रही है, या फिर बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है। एंड उसी के साथ कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि एक छोटी चीज़ों से शायद शुरुआत हो या फिर छोटी सी आपको अचीवमेंट मिले, बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैसे से कुछ मायूस मत होना क्योंकि आपको मिलेगा, आप जो भी चाहते हो वहाँ पर से मिलेगा। अगर छोटी से ही सही बट शुरुआत हो रही है तो आपको आगे जाके वो चीज़ें मिलेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकते हैं कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो एंड अपने फैमिली को लेकर कहीं पर जाना चाहते हो, या फिर आप घर बसाना चाहते हो, या फिर बच्चे चाहते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फील हो रहा है ऑलरेडी आपके बच्चे हैं कुछ लोगों के हो सकते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पर किसी सॉरी का वाइब आ रही है मुझे कि कोई किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर चाहता है कि कोई इंसान आके उनको बोले, ऐसे ही फील हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर मन में दुख है तो किसी से वो अपोलॉजी फील हो रही है। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर ये कार्ड्स और क्लैरिफाई करके क्या बताती है आपके सिचुएशन के बारे में। कहीं पर जाना मुझे कुछ लोग के लिए फील हो रहा है, लेकिन ये कोरोना में तो वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है जब भी देखोगे, बट इस वक्त तो कोरोना है तो कहीं पर जाना हो सकती है, या फिर नए घर में शिफ्ट होना, वो भी वाइब यहाँ पर मुझे आ रही है, वो वाइब में मुझे यहाँ पर समझ रही है। किसी को कुछ ऑफर देना हो सकती है, कुछ जॉब लेटर रिसीव करना, जॉब आना, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट वगैरह। ओके, एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है देख लेते हैं क्लैरिफाई करके। एट ऑफ, ओह माय गॉडनेस, बहुत कार्ड्स है, इतना सारा मैं नहीं ले सकती हूँ, जस्ट गिव मी वन कार्ड स्पिरिट्स। यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल क्यों है, डेथ बताती है। ओके, सो डेथ बताती है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो जिस चीज़ के ऊपर भी आप मेहनत कर रहे हो वो चीज़ ट्रांसफॉर्म होने वाली है बहुत जल्द, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत जल्द आपको कुछ चीज़ें दिखने को मिलेगा। टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है स्पिरिट्स, टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है, टू ऑफ कप्स, वाओ, या कुछ लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट मिल सकती है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, सोलमेट से आप मिल सकते हो। एंड ऑल्सो कुछ ऐसी वाइब आ रही है कि आप किसी घर पे शिफ्ट कर सकते हो, जो कि म्यूचुअल एक फीलिंग मुझे ऐसा हो रहा है, एंड घर पे भी शिफ्ट हो सकते हो, या जो कि म्यूचुअल है, यानी कि आप एंड आप, हो सकते हैं कि आपने और अपने आपके हस्बैंड ने मिलके ख़रीदा है, हो सकते हैं कि यहाँ पर किसी और का भी हाथ इन्वॉल्व है। ठीक है, कुछ ऐसा फील हो रही है, मतलब दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, सो फाइव ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स था, जो भी प्रॉब्लम्स था, ये जो चीज़ आप चाहते हो या फिर आपके मन में है, इनमें जो भी प्रॉब्लम था, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स था, तो सारे कुछ हटने वाली है। ठीक है, आपको वो चीज़ मिलने वाली है, आपको शायद वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके मिले। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको एक साथ ना मिले, थोड़ी थोड़ी करके मिले, या फिर आपको अचानक से छोटी सी कुछ मालूम पड़ जाए, आप बहुत इमोशनल हो जाओ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो भी मैसेज है कि आपको पता चले और अचानक से आप इमोशनल हो जाओ, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ऑल ओवर एनर्जी एक मैं जानना चाहती हूँ स्पिरिट्स कि अगर मैं इनके लिए जानूँ कि ये जो जा रहे हैं इनकी प्रेजेंट एनर्जी, तो इन फ्यूचर इनको वो चीज़ें मिलेगी कि नहीं। सो यहाँ पर आ चुका है
टू ऑफ वंड्स एंड फोर ऑफ वंड्स डेफिनेटली मिलेगी। फोर ऑफ वंड्स शादी के बारे में बताती है, घर के बारे में, फैमिली के बारे में बताती है, तो वो वाइब तो मुझे तभी से आ रही है एंड तभी से बोल रही हूँ। तो डेफिनेटली जो लोग शादी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो या फिर फैमिली रिलेटेड कुछ चाहते हो, तो बहुत जल्द आपको वो मिलेगी। ठीक है, टू ऑफ वंड्स मुझे ये बता रही है कहीं पर ट्रैवल करके जाना, ठीक है, दो चीज़ों में थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड होना। ये पेज ऑफ पेंटिकल से भी मुझे लग रहा था कि दो चीज़ों में जगल करना, ऐसी वाली फीलिंग हो सकती है। थोड़ी सी वेट हो सकती है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है, तो मैंने बताई थी कि छोटी सी आपको शायद छोटी सी शुरुआत ही दिखे, तो इसके लिए थोड़ी सी वेट हो सकती है, बट आपको मिलेगी 110%। ठीक है, तो यहाँ पर से ये मैसेजेस मिल रहे हैं। अभी आपने शायद यहाँ पर से चूज़ कर लिया है, देख लेते हैं जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख के मुझे लग रहा है कि सिचुएशन जो भी हो, सिचुएशन आपकी अभी जो भी हो, कहीं ना कहीं वहाँ से आप अपने रास्ता खुद ढूंढ ही लेते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देख लेते हैं आपकी रेटिंग, आपने क्या चूज़ किया है। तो यहाँ पर 3 चूज़ किया है आपने रेटिंग। इट्स नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आप सोच रहे हो कि देर हो चुकी है और नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ला रहे हो एंड सोच रहे हो कि देर हो चुके, तो स्पिरिट्स कह रहे हैं कोई देर वेर नहीं हुई है, आपको मिलेगा वो चीज़ समय पर मिलेगा। और रेटिंग 3 इसीलिए है क्योंकि आपको अपने थॉट्स की जो थॉट्स है उसको सुधारने की ज़रूरत है। ओके, सो फर्स्ट थी ये। जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है एक ग्रोथ, जैसा कि अचानक से ग्रोथ हो जाना, बढ़ जाना, ऐसा कुछ। लोग गार्डनिंग बहुत पसंद कर सकते हो, फ्लावर्स एंड गार्डनिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट हो। ओके, आप ओ माय गॉड आपने 11 चूज़ किया है। या मैं बता सकती हूँ आप बहुत गिविंग पर्सन हो, ठीक है, स्पिरिट्स बहुत हैप्पी हैं आपसे। आपको 11 में 11 दिया हुआ है क्योंकि आप कहीं ना कहीं और लोगों की ध्यान रखते हो, आप अपने फैमिली के बारे में सोचते हो, अदर्स लोगों के बारे में सोचते हो। अगर गिविंग पर्सन हो आप तो स्पिरिट्स आपसे बहुत हैप्पी है। अगर नहीं देते हो, डोनेट वोनेट नहीं करते हो या फिर हो सकती है छोटी छोटी चीज़ें ही, आप अपने घर के किसी बड़े का ध्यान रखें या फिर आपके अगर गार्डन है तो थोड़ी सी पौधे में पानी दे, थोड़ी सी कुछ ऐसे करे जो कि स्पिरिट्स आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सभी में प्यार बांटो, मुझे आपके लिए वो सुनाई दे रहा है कि प्यार बांटो क्योंकि आप में वो प्यार है। ओके, या सो 11 में 11, वाओ, इम्प्रेसिव, यू आर इनफ जस्ट एज यू आर। आप इनफ हो, आप गुड इनफ हो। अगर कुछ लोगों के मन में ऐसा है कि आपको शायद ये नहीं मिलेगा क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते हो या फिर कुछ ऐसी थॉट्स अगर माइंड में ला रहे हो, तो स्पिरिट्स कह रहे कि क्या सोच रहे हो आप, क्या सोच रहे हो, ये आप इनफ हो, आपको 11 दिया जा रहा है, 11 में 11, तो सोच लो स्पिरिट्स क्या कह रहे हैं आपको। अगर ऐसे कोई भी थॉट्स लाते हो तो हटा दो उसको, मतलब एकदम झप्पर मार के उसको हटा दो ऐसा। या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्पिरिट्स कहना चाहते हैं कि ऐसा तो सोचो मत, क्योंकि आप बहुत बहुत अच्छे पर्सन हो, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है बार बार स्पिरिट्स से। सो गाइस प्लीज़ हार मत मानो, जस्ट आगे बढ़ो, जो 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 स्पिरिट्स गाइड दे रहे, आपको गाइड कर रहे हैं उसकी सुनो। ओके, जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है, सो आई जस्ट फील कि आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो वो दो थॉट्स है उनमें से आप एक रास्ता चूज़ करना चाहते हो या फिर एक रास्ता बना रहे हो जो कि आपको अपना मंजिल तक पहुंचा दे, आपके थॉट्स को बैलेंस करने की कोशिश करना, कुछ ऐसा आपके लिए फील हो रहा है। सो डेफिनेटली या चलिए देख लेते हैं आपने अपने लिए कितना रेटिंग्स चूज़ किया है। 10, वाओ, या आप बहुत अच्छा बैलेंस कर पाओगे, अगर जो भी चीज़ बैलेंस करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, डेफिनेटली कर पाओगे, आप में वो एबिलिटी है। इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, यू कैन डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। अगर आपको लग रहा है कि कभी कभी आप डिसबैलेंस हो जा रहे हो या फिर चीज़ों में बैलेंस करना भूल जा रहे हो, तो आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे से वो बैलेंस कर सकते हो, आप में वो बैलेंसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त पे आप शायद बहुत 2-2-2 देख सकते हो, 4-4-4 देख सकते हो, 6-6 देख सकते हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं
बैलेंस के लिए आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस अगर नहीं कर पा रहे हो तो करो, क्योंकि आप कर सकते हो, ठीक है। और 10 रेटिंग आपने खुद के लिए चूज़ किया, यानी कि आप एकदम राइट ट्रैक पे हो और आप सही जा रहे हो। ओके, सो ये मुझे ये मैसेजेस मिला। अभी लास्टली मैंने जो कहा था कि ये जो 2 कार्ड्स है, इनमें से मैं आपको स्पिरिट्स के थ्रू एक कार्ड दूंगी, जहाँ पर मैं रेटिंग्स देखूंगी, ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो मुझे जैसा फील हो रहा है कि आपके लिए कौन सा वाला सही होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके लिए ये वाला एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक मेहनत से कुछ हासिल करना, दो चीज़ों को बैलेंस वगैरह मैं बार बार बोल रही हूँ, तो यहाँ पर वो बैलेंस के बारे में भी बता रही है। एंड ऑल्सो सनराइज हो रही है, ठीक है, एक सनसेट एंड सनराइज बहुत एक एनर्जी है, ठीक है, वो बैलेंस एक एनर्जी फील हो रही है मुझे, ठीक है। थॉट्स में भी बैलेंस फील हो रहा है। सो दैट्स वाई मैंने आपके लिए ये चुना है। देख लेते हैं ओवरऑल रेटिंग आपको क्या दिया जा रहा है। 5 दिया जा रहा है आपको ओवरऑल रेटिंग। सो आपको कहा जा रहा है, ऑल वी हैव टू डिसाइड इज व्हाट टू डू विद द टाइम दैट इज गिवन अस। आपको कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर, अगर ऐसे थॉट्स जो लोग रख रहे हो, ये सिर्फ उनके लिए है कि टाइम से पहले तो देखिए कुछ नहीं मिलता हमें, टाइम के साथ मिलता है। अगर जल्दबाजी करोगे या फिर आप सोचोगे कि नहीं टाइम निकल रहा है, शायद बहुत देर हो चुकी है, जो कि फर्स्ट पाइल के लिए था। सो फील हो रहा है कि उन लोगों के लिए ही शायद ये गाइडेंस होगी कि आपको नहीं सोचना है, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लानी है, आपके थॉट्स में बैलेंस की ज़रूरत है। टाइम के साथ साथ आपको चीज़ें मिलेगी और थोड़ी थोड़ी सही आपको दिखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल पाइल था, एक एक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेट किया। एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।